बच्चों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी लोग मजे में होंगे। आज हम लोग मैथ्स के इस वीडियो में हम लोग ट्रायंगल से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, और यह रिजल्ट क्लास 8 एंड 9 दोनों क्लासेस के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आज के उस इम्पॉर्टेंट रिजल्ट के बारे में। आज का रिजल्ट ये है कि अगर किसी ट्रायंगल में अगर दो साइडें जो एक दूसरे के बराबर अगर नहीं है, तो जो साइड बड़ी होगी उसके सामने वाला एंगल बड़ा होगा। अब इसको कैसे समझेंगे, चलिए मैं आपको डायग्राम बना के समझा देता हूँ। मान लो कि ये हमने एक ट्रायंगल का डायग्राम बना दिया है और इसका नाम रख दिया है ABC। और यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि अगर मैं ये बता रहा हूँ आपसे कि इसमें AC साइड जो है AB से बड़ी है, तो हमें क्या दिखाना होगा? हमें ये दिखाना होगा कि बड़ी साइड के सामने का एंगल बड़ा होगा। यानी अगर AC साइड लेंगे तो AC साइड के सामने का एंगल कौन सा है? एंगल B। और AB साइड के सामने का एंगल कौन सा है? एंगल C। तो यहाँ पे एंगल B का रिजल्ट एंगल C से बड़ा होगा, ये हमें दिखाना है। और इसे कैसे दिखाएंगे, इसके लिए कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, साथ में कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ का नॉलेज आपको होना ज़रूरी है, जो कि ऑलरेडी आप 6 और 7 में पढ़ चुके हो। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको करेंगे। आपको क्या करना होगा कि एक कंस्ट्रक्शन कर लो। हम यहाँ पे एक BQ लाइन सेगमेंट का कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। जो Q वाला जो पॉइंट होगा वह AC पे होगा, और कंस्ट्रक्शन ऐसे कर लो कि AB का जो लेंथ जो है वह AQ के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। अब क्या करो कि यहाँ पे नेम रख दो थोड़ा सा आसानी से समझने के लिए। मान लो कि इसका नाम मैंने रख दिया एंगल 1, इसका नाम रख दिया एंगल 2, इसका नाम रख दिया हमने एंगल 3, और इसका नाम रख दिया हमने एंगल 4। क्लियर? अब जरा हम लोग ट्रायंगल ABQ पे नजर डालते हैं। तो जब आप ट्रायंगल ABQ पे नजर डालोगे तो आप देख रहे हो कि जो AB का जो लेंथ है वह AQ के बराबर है। तो जब किसी ट्रायंगल में जब दो साइडें जब बराबर होती हैं तो उस ट्रायंगल को कहते हैं आइसोसेलस ट्रायंगल। और आइसोसेलस ट्रायंगल में क्या होता है कि जो बेस एंगल जो होगा वो बराबर हो जाएगा। इसे मान लो कि ये ABC एक ट्रायंगल है। अब यहाँ पे अगर हमने AB को AC के बराबर अगर बनाया है, तो यहाँ पे जो B और C जो देख रहे हो ना, ये इस आइसोसेलस ट्रायंगल के बेस एंगल होंगे। तो बेस एंगल आपस में यहाँ पे क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो हम ट्रायंगल ABQ बनाए हैं, इस ट्रायंगल ABQ में AB AQ के बराबर है, तो इसमें जो बेस एंगल जो होगा वो क्या होगा, एंगल 1 होगा और एंगल 2 होगा। तो यहाँ पे एंगल 1 की जो वैल्यू जो होगी वो एंगल 2 के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। आई होप इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपसे कोई पूछता है कि किस प्रॉपर्टी के बेसिस पे हुआ है, तो आप कह दो कि ये ट्रायंगल आइसोसेलस है, और ट्रायंगल आइसोसेलस जब होता है तो बेस एंगल क्या हो जाता है, बराबर रहता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि एंगल 1 की वैल्यू एंगल 2 के क्या है, बराबर है। अब हम लोग आएंगे ट्रायंगल BQC में आएंगे। अगर हम यहाँ पे देखें इन ट्रायंगल BQC को देखते हैं, तो ये जो एंगल 2 जो बनना है वो इस ट्रायंगल में नहीं है, वह इस ट्रायंगल के बाहर बनना है। और ये एंगल 2 जो है ये एक्सटीरियर एंगल है। और आपने क्लास 6 और 7 पढ़ा है कि अगर किसी ट्रायंगल के किसी एक साइड को अगर हम बढ़ाते हैं, ध्यान समझिएगा, अगर किसी ट्रायंगल में अगर आप किसी एक साइड को जब हम बढ़ा देते हैं, तो जो एक्सटीरियर एंगल जो होता है उसकी वैल्यू जो होती है वो 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल सम के इक्वल होती है। तो यहाँ पे जो एंगल 2 की जो वैल्यू होगी, देखो एंगल 2 की जो वैल्यू होगी वो इक्वल होगी किसके, एंगल 3 प्लस एंगल 4 के। प्रॉपर्टी किससे, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं एंगल 2 का कंपैरिजन, ध्यान समझिएगा, अगर एंगल 2 का कंपैरिजन केवल मैं एंगल 4 से करूं और आपसे पूछूं कि यहां पे आप साइन क्या रखोगे, इक्वल कर रखोगे, तो आप सोचोगे भाई एंगल 2 का जो रिजल्ट है वो तो 3 और 4 के सम के इक्वल है। लेकिन जब तुम एक एंगल से कंपैरिजन करोगे तो यहां पे एंगल 2 का जो रिजल्ट जो होगा वो एंगल 4 से क्या होगा, बड़ा होगा। इसीलिए यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं डालेंगे। इक्वल का साइन तब डालते ना जब हम दो एंगल का सम लेते इंटीरियर का, तब ये होता। लेकिन जब एक्सटीरियर एंगल का कंपैरिजन किसी एक इंटीरियर से करोगे तो एक्सटीरियर एंगल का रिजल्ट इससे हमेशा बड़ा रहेगा।
तो जब एंगल टू का रिजल्ट एंगल फोर से बड़ा है तो ये बताओ क्या एंगल वन का जो रिजल्ट जो होगा वह एंगल फोर से बड़ा होगा कि नहीं। तो आप कहोगे यस डेफिनेटली होगा। रीजन आप देख सकते हो क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जो है ना एंगल वन एंगल टू के बराबर है, तो जब एंगल टू एंगल फोर से ग्रेटर हुआ तो एंगल वन भी क्या होगा एंगल फोर से बड़ा हो जाएगा। आई थिंक इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ देखो बेटा कि जब एंगल वन एंगल फोर से बड़ा है, एंगल वन जब यहाँ पे लाइन ड्रा कर रहा मैं कि एंगल वन जब एंगल फोर से जब बड़ा हुआ तो इसी एंगल वन में ये अगर मैं थ्री वाला यानी जो ये बचा हुआ जो हिस्सा है ना अगर इसको भी मिला दूं तो इन दोनों का जो सम जो होगा ये भी क्या होगा एंगल फोर से बड़ा हो जाएगा। अब आपको सोचना है कि ये एंगल वन और थ्री ये पूरा मिल के क्या बनाएंगे, ये पूरा मिल करके एंगल बी बना देंगे और यह एंगल फोर किसको इंडिकेट करेगा बेटा, यह एंगल सी को इंडिकेट करेगा। तो आपने ये देखा कि किसी भी ट्रायंगल में जो अगर दो साइड अगर आप ले रहे हो जिसमें से दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल नहीं है तो जो बड़ी होगी उसके सामने का एंगल क्या होगा बड़ा होगा। तो आपने यहाँ पे देख लिया कि इस ट्रायंगल एबीसी में एसी एबी से बड़ा था तो हमने ये दिखा दिया कि इस एसी के सामने का जो एंगल बी होगा उस एंगल सी से क्या होगा ग्रेटर हो जाएगा। तो अगर आपको इस वीडियो का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया है, अगर आपको ये वीडियो दूसरों के लिए यूजफुल लगती है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बड़ों का सम्मान करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद जय भारत।